सबर का फल मीठा होता है, ये कहावत बहुत से लोगों ने सुनी होगी और दूसरों को सुनाई भी होगी, लेकिन इस कहावत को समझने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, जैसे कि मैं। मुझे लगता था कि लाइफ एक 100 मीटर की रेस है और जो सबसे पहले उसे खत्म करेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं बहुत ही बेसब्र होने लगा चीजों को लेकर, क्योंकि रेस जो खत्म करनी थी। मैं बहुत ही गलत था इस चीज को लेकर, और मैं जैसे जैसे बड़ा होने लगा मुझे समझ आने लगा कि लाइफ एक मैराथन है जिसमें हमें आगे बढ़ते रहना है और जिंदगी का मजा लेते रहना है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पेशेंस इम्पोर्टेंट क्यों है। ऑफ कोर्स मैं संदीप महेश्वरी तो नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत इतना मोटिवेट तो हो ही जाएंगे। तो शुरू करें। जिंदगी में कुछ चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही उनको बदल सकते हैं। उन चीजों के पीछे उतावला या बेसब्र होना बेकार है। मैं समझता था कि मैं जितना ज्यादा उतावला बनूंगा उतनी ही जल्दी चीजें मेरे साथ होंगी, लेकिन वापस मैं गलत था। अगर मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरे चीखने चिल्लाने या झगड़ा करने से लाइन आगे तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेरा नंबर अगर 200 लोगों के बाद है तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, मैं चाहे जितना मर्जी हॉर्न बजा लूँ, जब तक मेरे आगे से 10 गाड़ियाँ नहीं हटेगी मेरी गाड़ी नहीं हटेगी, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। होटल में खाना खाने के लिए इंतजार करना हो, प्यार को पाने के लिए इंतजार करना हो, रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना हो, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां हमें इंतजार करना पड़े, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि लोग बेसब्र हो जाते हैं जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी ना हो और फिर भी अगर हम बेसब्र होने लगे, उसका मतलब हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। हमें ये समझना होगा कि हर चीज को एक समय लगता है और वो अपने सही समय पर पूरी होंगी। मुझे लगता था कि इंतजार करने से वक्त बर्बाद होता है, और इस चीज को लेकर भी मैं गलत था। वक्त बर्बाद तब होता है जब हम समय का सही उपयोग नहीं करते। वक्त बर्बाद ना करना हो तो हम दूसरी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि किताबें पढ़ सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कामों को खत्म कर सकते हैं, और ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। अगर हमें जिंदगी का पूरा मजा लेना है तो समय का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। छोटी से लेकर बड़ी चीजों में हम आगे रहना पसंद करते हैं। हर चीज एक कॉम्पिटिशन हो गई है, चाहे वो पैसा हो या रिश्ते। इस कंपटीशन में आगे रहने के लिए उतावला बनना जरूरी है, नहीं तो लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। इसी की वजह से मैं पहले बहुत ही सेल्फिश हुआ करता था और मेरा एटीट्यूड भी बच्चों जैसा था, क्योंकि मुझे हर चीज सबसे पहले चाहिए होती थी, और जब वो नहीं मिलती थी मैं बहुत ही इमोशनल हो जाता था। इसका परिणाम ये था कि मेरी सेहत बहुत ही खराब रहती थी और मेरा मन शांत भी नहीं रहता था। ये सब बदलने के लिए सब्र रखना जरूरी था। सबर रखने से मुझे ये पता चला कि हर चीज एक कंपटीशन नहीं है। हमारे पास आज जो कुछ भी है शायद दूसरों के पास ना हो, तो हमें सबर रख के उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अब वो उस मौके का फायदा कैसे उठाते हैं ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को कुचलकर आगे कैसे बढ़े, बल्कि सबर रख के अपनी मेहनत और होशियारी से कॉम्पिटिशन में कैसे बने रहे। हर बड़ी चीज को बनने के लिए सबर रखना पड़ता है। जब हम बेसब्र हो जाते हैं तो हम जल्दबाजी में बहुत से ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। सब्र रखने से हमें सोचने समझने का समय मिलता है जिससे कि हम अपने डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं। सब्र रखने से हम अपनी प्रायोरिटीज को भी अच्छे से सेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और ना कि फालतू चीज़ों पर। पहले के जमाने में सुविधाएं बहुत ही कम हुआ करती थी, जिससे कि लोगों को छोटे छोटे कामों में ज्यादा समय देना पड़ता था। वक्त को बचाने के लिए और लाइफ को आसान बनाने के लिए आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतनी सुविधाएं काफी हैं? क्या हम इतनी सुविधाओं से संतुष्ट हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी हम बेसब्र होकर ज्यादा की मांग कर रहे हैं। दुनिया में चाहे कोई भी सुविधा को हम इस्तेमाल करें, सभी में कुछ समय तो जाएगा, चाहे कम हो या ज्यादा। हमें सब्र रख के इन सुविधाओं का मजा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बेसब्र होने से वो सुविधाएं और अच्छी तो नहीं बन जाएगी जब तक उन सुविधाओं को कोई महान व्यक्ति और बेहतर नहीं बना देता।
अब सब्र रखे तो रखे कितना, इसका जवाब शायद कोई दे ही ना सके, क्योंकि हर किसी के अंदर पेशेंस का एक लेवल होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। सब्र रखने के लिए भी सब्र रखना पड़ता है। जो लोग सब्र रखने की कोशिश करते हैं उनको शुरुआत में तकलीफ होती तो है, लेकिन उसी कोशिश की वजह से उनको सब्र रखने के फायदे पता चलते हैं। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि हम कुछ अच्छा होने के लिए इंतजार करें, बल्कि बुरे वक्त में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं और उसका सामना कैसे करते हैं। तो क्या हमारे अंदर इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए? हमारे अंदर इम्पेशेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए जब हमें पॉजिटिव चेंजेस लाने हो, अपने आप को डेवलप करना हो, कुछ नया सीखना हो, इम्पोर्टेंट कामों को ख़त्म करना हो और शायद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैंने पेशेंस के बारे में कम से कम शब्दों में इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और जिनको नहीं पता क्या करना है नीचे कमेंट करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।